काफिर की जो है अबरार की जो के गुनाह बन जाते हैं। हसनातुल अबरार सैयातुल मुखर्रबीन, अबरार नेकों की नेकियां हैं ना, मुखर्रबीन के गुनाह बन जाते हैं। ये सब मालूम नहीं, दरगाह को जाता कहीं को पाता है कहीं दिलाता, धक्को जा कौन पूरे जवाब बोलते हैं क्या दरगाह में बैठे 24 घंटे में, दरगाह को कहीं जाता है, दरगाह को जाता देखने के वास्ते, अल्लाह मरता नहीं वलीउल्लाह मर को बताता, बोल शिर्क नहीं होता वहाँ दरगाह गया तो जो है शिर्क से आदमी बचता, अल्लाह जिंदा वलीउल्लाह बंदा ऐसा रहता, वो भी शिर्क होगा शिर्क होगा मेरी शिर्क का क्या फ्री है रे शिर्क के हस्ते ने जानते कि शिर्क लपटा से कमान कमान शिर्क का होता दोस्त है ने हमारे पास शिर्क आता नहीं समझ में आया, हमें अल्लाह के महबूब की बोलते हैं, अल्लाह का महबूब ही है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह का महबूब महबूब है। खैर तो बोल रहा था कि जो है हमारे गुनाहों से 24 घंटे माफ़ी मांगो, क्योंकि बाज़ नेकियां बाज के पास गुनाह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे कमरे में कोई आना, क्या मैं आ सकता हूँ? ठीक है जाओ जुनून साहब बुला के लाओ, है ना, अब समझा नहीं है रियाज साहब हैं, मैं आ सकता हूँ? कि रे क्या मस्ती ज्यादा होगी तेरे पास आ सकता हूँ का जुमला जो है गलत है, क्यों मैं पूछना नहीं, तुम्हें पूछे तो गलत है, तुम्हें पूछना खता, समझ में आया कि इतने कोड़ का पली बन गए तुम्हें होते में बन गया आए आए, फिर उसके लिए वही कानून है, तेरे लिए कुछ और कानून है। तो खैर अर्ज कर रहा था कि तूबू इलल्लाह जमिया अय्युहल मोमिनून, अरे तौबा कर लो रे पूरे हुजूर के गुलामों, मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब को चाहने वालों, तुम आप आ जाओ पूरे के पूरे आ जाओ अल्लाह की तरफ रुजू करो, अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। रोजाना ये बोलना, रोजाना 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो अस्तग़फ़िरुल्लाह, नहीं वैसा नहीं दीवाना होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अपने गुनाहों को याद कर, रो अपने गुनाहों पर, मौला मेरे गुनाहों को माफ, अगर तू ना माफ करे तो अरे एक यजमान पे कैसा तू माफी मांगता, एक यजमान से आज तेरी दुकान में है यजमान से माफी मांग रहा है, हालांकि बाजू 10 दुकानें हैं, अगर तू ना माफ करे तो दूसरे के पास जा सकता, मगर ये यजमान के सिवा कोई यजमान नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह है, ऐसी चौखट कहां है, ऐसा दरबार कहां है, ऐसी दहलीज कहां है, उसके लिए फिर कोई ठिकाना ही नहीं है, चौकट से अगर अपनी किसी को तुम उठा दो, हा जाएं तो अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, जाएंगे किस के दर पे हम अब दर यार छोड़ कर, जाएंगे किस के दर पे हम, समदानी की दुकान नहीं दूसरी दुकान जा सकता, मगर माफी मांगने वाला कैसे मांगता, साहब माफ बच्चे हैं साहब आपके भरोसे पढ़ा रहा हूं साहब, साहब इजमान अब तक मजे में दीजिए इजमान, आप कर दो इजमान तुम्हारा जाता, अरे बच्चों का भला होगा इजमान, इजमान दे कितनी बातें, रोता और बोलता 3 दिन से कुछ भी नहीं इजमान, घर में सब खत्म है इजमान, तुम्हारे से सब इजमान, जिन जिन बातों से जो है करम आमादा बकरम बोल करता है उसके सामने, हालांकि बाजू ये दुकान है यहाँ नहीं उधर जाके बोला मेरा एक्सपीरियंस इतने साल के फौरन ले गाओ, मगर गुलाम तड़प जाता है मनाने लगता है, मगर यहाँ इसकी चौखट के सिवा कोई चौखट नहीं है, जाएंगे किस के दर पे हम अब दर यार छोड़ कर, है यही एक दर जहां मिन्नत पासबां नहीं, है यही एक मिन्नत पासबां बोलते संतरी था ना वॉचमैन,
आओ जाओ न को वहां कुछ भी नहीं। मौला बोला आ मेरे बंदे, मौला मेरे बंदे, रब्बी अब्दी या रब्बी बोले तो खाली बंदा नहीं बोलते अब्दी। उनके तरफ मुतवज्जे मौला इबादी इजा साला का इबादी, जब मैं पूछते हैं आपसे मेरे बंदे मेरी मुतालिक मेरे मुतालिक पूछते हैं खरीब मैं खरीब हो, वो पूछ ही रहा है मैं खरीब हो जाता हूँ उसके खरीब हूँ उसके। जाएंगे किसी के दर पे हम अब दर यार छोड़ कर, है यही एक दर जहां मिन्नत पास नहीं। अरे इसकी चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ती मौला तो बंदा तो मौला फरमाते हैं ए मेरे महबूब के गुलामों, महबूब के चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों, अपनी माँ से ज्यादा मोहम्मद को चाहने वाले, अपनी बाप से ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहने वाले, अरे अपने सारी कायनात से बढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले, खुद की जान से ज्यादा कमली वाले को चाहने वाले, अय्युहल मुमिनून आ जाओ तुम इलल्लाह जमीआ, कामयाब हो जाओगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो हजार बार अस्तगफुरुल्लाह छोटे पत्र लखत निकालना उसके वास्ते दरूद शरीफ चलता था पढ़ ले पढ़ ले, समझ में वो भी अगर जहन दरूद की तरफ लगाओ इस्तगफार के लिए नदामत आना। इस्तगफार की जान क्या है? नदामत अनदमतु तौबा नदमा तौबा नदामत ही तौबा। अस्तगफुरुल्लाह 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 अस्तगफुरुल्लाह। हाँ अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह किस्मत डालता सो कितने दिन लगाए ना बोलो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह नहीं बंद कर दे माफी से मांगते हैं माफ करो माफ करो माफ करो माफ करो माफ तड़प के मांग। तेरा मालिक या मालिक अंधा भी हो सकता है उसके गुने भी उसके खिलाफ ख्याल में होगा मगर वो मालिक तेरे ख्याल में है तुझे देख रहा है तेरी तरफ मुतवज्जे है मेरे भाई तो पूरी तरफ मुतवज्जे माफ कर दे। कहाँ जाऊँ मालिक बोल मालिक बोल कहाँ जाऊँ देख मैं रोड का होगा तो अच्छा दिखेगा क्या मैं गली का होगा तो अच्छा दिखेगा मैं बर्बाद होगा तुझे अच्छा दिख। मौला बोल मौला कौन है मेरे तड़प के बोलो खुदा की कसम तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। कामयाब 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 तुम्हारी तौबा कबूल होके ही रहेगी मगर तड़प के पुकारो अल्लाह हमारी तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए अल्लाह हमसे राजी रहे। इंशाल्लाह आइंदा जुमा आपके इस मुहर्रम में जो है शहादत की फातिहा नहीं हो सकी है लॉकडाउन की वजह से तो आइंदा जुमा शहादत की फातिहा है। जुमा के बाद लंगर होगा तो तबरुक खाएंगे इमाम हुसैन के नाम पे। अब वो पकाना है क्या ये पकाना जो पकाना पका सकते हैं समझ में आ रहा खिचड़ा पकाना क्या वो पकाना भाई एक मीनो है वो मीनो बोलते ना उसे मीनो वो एक मीनो है खिचड़ा पका लो खिचड़ी पका लो अरे खिचड़े पका लो क्या भी पका लो खा लो बिरयानी भी खा लो जब खाओ वो पकाना फर्ज वाजिब सुन्नत कुछ नहीं है मजा जबान को लज्जत लगती पका लेते हैं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं कि जो खिचड़ा पकाओ और इमाम हुसैन ने ये भी नहीं कहा कि जो है खिचड़ा मत पकाओ पका ले रहे हैं वो एक डिश मिलता है एक साल में एक वक्त इमाम हुसैन के नाम पे कुछ दालें वगैरह होती मजा हो जाता है उसके लिए कुछ अगर कोई खिचड़े के बगैर बिरयानी पकाता तो जायज है। नहीं नहीं उस दिन बिसान नहीं होना मुहर्रम में बिसान बराबर बिसान खाना बिसान तो कौन से भी दिन नहीं होना भाई हल्दी डालना उसके अंदर मसाले डालना बिसान पर चले जाना उसमें से बिसान उस दिन एक नहीं होना साल भर बिसान खाएंगे सही बात बिसान तो निकालते थे हमारे पास मसाला डालती मेरी बहनें मेरी बेटियां बीवी सब वो हल्दी डालती उसको अदरक लहसुन लगाती ताकि पिसान निकल जाए नहीं पिसान है नहीं पिसान नहीं तो सब ऐसे बकवास की बातें। बाद लोग बोलते हैं कि जो है 22वीं शरीफ के दिन जो है बिसान नहीं पकाना घर में खानदान में नहीं पकाना अच्छा कोई बिसान खा के आ गया उसको पुलिस के हवाले कर देना बिसान खा के आ गया नहीं हलाल जो भी है खाना
22वीं में गोश्त की बिरयानी।